नमस्कार दोस्तों, IDC डिजिटल प्रिंट सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन रिपोर्ट कैसे बंद की जाए और आपका आईपी एड्रेस, मशीन का आईपी एड्रेस कैसे चेंज किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लॉगआउट लॉगिन का बटन दबाना है। उसके बाद से सामने आपके एडमिन पैनल आएगा। एडमिन पैनल में आपको लिखना है एडमिन, ADMIN, नेक्स्ट करके पासवर्ड डालना है, 1111, 4 बार 1 कंफर्म कर देना है। उसके बाद मशीन स्टेटस का बटन दबाना है। उसके बाद टूल्स में जाना है। टूल्स में पहुंचने के बाद स्क्रॉल करके आप नीचे की तरफ आएंगे, प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगा, पेजेस, ओके, क्लिक कीजिए। अब इसे यस की जगह नो कर लीजिए। जब भी मशीन ऑन करते हैं एक प्रिंट निकल के आता है, ये उसी को ऑफ करने के लिए है। नो करके और इसे हम सेव कर लेंगे। सेव हो जाने के बाद से अब हम जाएंगे नेटवर्क सेटिंग में। इसमें TCP/IP सेटिंग में इसमें आकर हम लोग डायनेमिक आईपी एड्रेस पे क्लिक करके उसे डिसेबल कर देंगे। DHCP की जगह हम लोग डिसेबल करेंगे, सेव करेंगे। ये शायद हुआ नहीं है, फिर दोबारा से क्लिक करते हैं एक बार। हो चुका है डिसेबल, ओके, फिर से सेव करते हैं। यस, हो गया है। तो IP4 को हम लोग चेंज करेंगे। इसमें अपना आईपी एड्रेस डाल लीजिए। मैं एक आईपी एड्रेस डाल लेता हूँ, इरेज करके ये सारा। चाहे आप कीपैड का यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो टच पैनल का यूज़ कर सकते हैं, कहीं से भी आप आईपी एड्रेस डाल सकते हैं। क्लोज कर लीजिए आईपी एड्रेस डालने के बाद से। गेटवे एड्रेस डाल लीजिए, जो भी हो आपको आपका गेटवे एड्रेस पता होना चाहिए। और उसे भी डाल के क्लोज कर लीजिए। सबनेट डाल लीजिए। Then close और उसे कर लीजिए सेव। सेव हो जाने के बाद से हम उसे क्लोज कर लेंगे। फिर दोबारा से मशीन स्टेटस पे पहुंच गए। मशीन सर्विसेज पे आप पहुंच जाइए और फिर लॉग आउट कर लीजिए। और अब हम प्रिंट देंगे और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आगे मैं और किस विषय में वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।